गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। प्रीवियस लेक्चर में जैसे अपन पढ़ रहे थे BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, तो उसके अंदर क्या होता था कि ये जो डिकोडर होता है वो 7 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है, और जब इसको आउटपुट देना होता है तो क्या होता है, अपनी LED को ये ऑन कर देता है। जैसे अपन को 0 पे आउटपुट चाहिए होता है तो 0 के लिए सारी LEDs को ये ऑन कर देता है, सिर्फ और सिर्फ जी वाली जो LED होती है उसको ये ऑफ रखता है। उसके बाद में अपन 1 2 3 4 5 6 7 तक अपन क्या करते हैं, इससे आउटपुट लेते हैं। अच्छा, BCD टू 7 सेगमेंट जो डिकोडर होता है वो डेसिमल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो डेसिमल को जब ये कन्वर्ट करता है तो अपन इसके अंदर आउटपुट कहाँ तक ले सकते हैं, 0 to 9 तक। तो अपन 0 to 9 तक इसके अंदर आउटपुट लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही, जैसे ये अपने पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अपन आउटपुट लेते हैं, फिर 10 11 12 13 14 एंड 15। ये जो है कंडीशंस अपने पास, इसके लिए आउटपुट आता नहीं अपने पास, तो सारी LEDs अपन को क्या करती है, 0 आउटपुट प्रोवाइड कराती है। और 0 आउटपुट प्रोवाइड कराती है तो अपन इसको किसके अंदर लिख देते हैं, डोंट केयर कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे अपन सबसे पहले आउटपुट लिखते हैं इनके, तो इनके जब आउटपुट लिखते हैं अपन, आउटपुट कहाँ पे आएंगे, ABCDEFG पे। तो इसका जब तुम आउटपुट लिखोगे तो देखो, ए के लिए जब आउटपुट लिखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए का जो आउटपुट आएगा वो आएगा अपने पास समीशन एम। समीशन एम मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट SOP प्रोवाइड करा रहा है या आउटपुट 1 प्रोवाइड करा रहा है। तो समीशन एम पे कहाँ कहाँ है इसका आउटपुट, देखो, एक तो 0 पे, देन 2 3 5 6 7 8 9, यहीं पे इसके आउटपुट 1 1 है, 0 2 3, फिर 4 पे 0 है, 5 6 7 8 9। ठीक है, और बाकी वालों पे क्या है इसके पास, डोंट केयर कंडीशन क्या है अपने पास, समीशन डी 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ऐसे ही लिखेंगे ए का आउटपुट। उसके बाद में अपन लिखेंगे बी के लिए आउटपुट। तो बी के लिए आउटपुट देखो कैसे लिखोगे, ये अपने पास बी है, बी प्रोवाइड करा रहा है 0 1 2 3 4 तक, 4 तक ये 1 प्रोवाइड करा रहा है SOP। तो समीशन एम 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक इसमें क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है। उसके बाद में 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 8 9 पे, इसके अंदर भी डोंट केयर कंडीशंस कितनी है अपने पास, समीशन डी 10 11 12 13 14 15 16 तो आता ही नहीं ना अपने पास, 15 तक। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते हैं सी के लिए। सी के लिए देखो समीशन एम 0 और 1 पे 1 1 आ रहा है, फिर 2 पे 0 आ रहा है, देन फिर सब पे 1 1 है। तो देखो इधर 0 1, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 2, 0 1 3 4 5 6 7 8 9, और इसके पास भी डोंट केयर कंडीशन कितनी है, 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या होता है डी। डी के लिए आउटपुट लिखेंगे, डी के लिए देखो समीशन है ABCD 0 1, एक बार ऊपर तो कुछ नहीं है ना, 1 0, ऊपर वालों में सब में 1 1 है, लास्ट वाले में नहीं है ना, ABCD ऊपर वाले में 1 है मतलब 0, फिर उसके नीचे वाले में नहीं है मतलब 1 वाले में नहीं है, देन 2 3, फिर 4 में नहीं है, 2 3 फिर 4 में नहीं है, फिर 5 6, फिर 7 में नहीं है, देन 8 9 प्लस
डोंट केयर अपने पास वही 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। देन नेक्स्ट ई, ई के लिए समीशन एन देखो, ऊपर वाले में 1 है, 0 वाले में तो 0, फिर इसके बाद में देखो सेकेंड वाला 0 है तो वो आएगा नहीं, फिर थर्ड वाला 1 है, मतलब 0, 1 वाला 0 है, फिर 2 वाला 1, फिर उसके बाद में यही है ना, ए बी सी डी ई, फिर 3, 4, 5 आएगा नहीं, फिर 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, देन प्लस डोंट केयर वाले 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 0, 2, 6, 8। उसके बाद में एफ के अंदर चलो, एफ के अंदर सबमिशन एम देखो, 0 वाली कंडीशन के लिए 1 है तो एक तो 0 आ जाएगा, फिर 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6 0, देन 4, 5, 6 0, देन 4, 5, 6 उसके बाद में 7 नहीं आएगा, देन 8 और 9, देन 8, 9, फिर समीशन डी 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड लास्ट जी के लिए देखो समीशन एम, जी वाले में देखो 0, 0 तो ये तो दोनों नहीं आएंगे, मतलब 0 और 1 तो नहीं आएगा, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 फिर 7 नहीं आएगा, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 फिर प्लस समीशन डी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है। ये अपन ने अपनी ट्रुथ टेबल को देखते हुए अपन ने क्या कर दिया, इसके आउटपुट डिफाइन कर दिए, सारे ए बी सी डी ई एफ जी के अपन ने क्या कर दिए, आउटपुट डिफाइन कर दिए। सॉरी अब क्या करेंगे अपन, के एम एफ बना के इसके आउटपुट निकालने, आउटपुट निकालेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले ए का आउटपुट निकाल लेते हैं, देखो ए अपने पास क्या है, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 तो सबसे पहले ए के लिए के मैप सॉल्व करते हैं, वही 16 बॉक्सेस बनेंगे अपने पास, ये इधर ए बी, इधर सी डी, ये 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ठीक है। कितना है ए की वैल्यू, क्या है अपने पास, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 0, फिर 1 पे है नहीं, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 यही होएगा, ए बी सी डी 0, 2, 1, 1 इधर है, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 0, 2, 3,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब देख लो, ज़ीरो टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, सही है। अब देखो वाक्यों के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, एक मिनट, ये लो, थ्री थ्री सिक्स टू एट, फोर एंड फोर एट, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन अपने जोड़े बनाते हैं, तो आ जाओ देखो, एक तो चार का ये बना दे, ठीक है, एक दो का ये बना दे, एक ये इन दोनों का बना दिया, अब एक बज रहा है ये इन दोनों का बना दिया, ठीक है। अपन ने क्या बना लिए, चार जोड़े। अब इनके आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट लिखेंगे सबसे पहले ये वाला जोड़ा ले ले, इस वाले के लिए देखो सी डी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, इन दोनों के लिए ए की वैल्यू तो चेंज है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन प्लस इस वाले के लिए देखो ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से सी डी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर प्लस एक कौन सा बच गया, ये वाला, इसके लिए सी कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से ए, ये अपने पास क्या हो गए इसके आउटपुट। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है, ये सॉल्व और हो रहा है। देखो अगर इसमें से लिया तुमने बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो क्या बच गया, डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से क्या बच रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू वन, फिर उसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये अपने पास आउटपुट आ रहा है किसका, ए का। अच्छा, सॉरी, एक चीज़ अपने पास गलत हो गई, अपन ने डोंट केयर वाले कंडीशन तो लिखी ही नहीं, डोंट केयर, बिना डोंट केयर के सॉल्व कर दिया अपन ने, रियली वेरी सॉरी, इसको फिर से करते हैं, डोंट केयर लिखना भूल गए अपन, डोंट केयर वाले सारे टर्म्स छूट गई अपने पास। डोंट केयर तो रह गया, जीरो टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तभी मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे,
ये ए बी, ये सी डी, 0001 1110, 0001 1110, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसके अंदर क्या था, 0, और यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब अपने जोड़े बनाते हैं, देखो एक तो ये 8 का बना सकते हैं क्या, अगर डोंट केयर इंक्लूड कर ले, एक ये 8 का बना सकते हैं, ठीक है, एक ये 4 का बना सकते हैं, और एक ये अकेला, ठीक है। अब आएंगे अपने आंसर, डोंट केयर छूट गया था, देखो ए का जब आउटपुट लिखेंगे अपन, तो पहले इस वाले के लिए लिख लो, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, एक इसका जोड़ा बनाना है, मतलब ये चारों कॉर्नर वाले, अब परफेक्ट जोड़ा बनाया इसका, अब चेक करो, पहले ऊपर वाले चेक कर लो, 0010, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और इधर वाले चेक करोगे 0010, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इस वाले के लिए डी और ऊपर से बी, फिर प्लस इस वाले के लिए कुछ नहीं आएगा, आएगा इसके लिए आएगा ए, और इस वाले के लिए आएगा सी, ए प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी, ये अपने पास क्या आ गया इसका आउटपुट। अब इसका सर्किट डायग्राम पे प्लॉट कर ले ए का, ए का सर्किट डायग्राम जब प्लॉट करेंगे तो देखो इधर ये एक और ये दूसरा, दो नैंड गेट है अपने पास, उनके अंदर क्या जा रहा है, एक के अंदर तो बी और डी, ये बी और डी, दूसरे के अंदर जा रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट ये डी कॉम्प्लीमेंट, फिर एक ए है और एक सी है, और फिर ये चारों किसके अंदर जा रहे हैं, एक और गेट के अंदर, और ये आउटपुट किसका आ रहा है अपने पास, ए का, ये अपने पास क्या आ गया, ए का आउटपुट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं बी के लिए, बी के लिए फिर से वही 16 बॉक्सेस बनेंगे, ए बी सी डी,
0001 1110 0001 1110, ठीक है। बी के लिए कहाँ कहाँ पे आउटपुट आ रहा है अपने पास? जीरो वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन, देन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। और उसके अलावा क्या थे अपने पास? ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। फाइव सिक्स एट नाइन, ठीक है। बाकी वाले क्या है अपने पास? डोंट केयर, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? इसका आउट वो कैम ऐप हो गया। अब अपन क्या बनाए इसके? जोड़े बनाए। तो देखो एक मिनट, क्या क्या जोड़े बन सकते हैं इसके? देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा ये हो गया, जस्ट अ मिनट, ये पूरा एक ही तो होएगा ये, ठीक है। और एक और बच रहा है चौथा, चौथा ये बना दे क्या? ये अपने पास चार जोड़े बन गए क्या? अब सारे वन वन आ गए क्या? देखो इसके अंदर सारे वन वन इंक्लूड हो गए ना इसके अंदर, तो ये अपने पास चार जोड़े बन गए। अब इसके आउटपुट लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले देखो इस वाले के लिए लिख ले, इस येलो वाले के लिए, तो आउटपुट ऑफ बी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, इधर वाले से देखो जीरो जीरो और वन जीरो, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस, फिर इस एट वाले के लिए ऊपर से कुछ नहीं आएगा, इधर वाले से वन वन और वन ज़ीरो के लिए सी, फिर इसके बाद में इस वाले के लिए वन वन ए बी, और इधर से कुछ नहीं आएगा, फिर प्लस, फिर अपने पास एक कौन सा बच रहा है? ये वाला, इसके लिए इधर से कुछ नहीं, बट इधर से क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा है तुम्हें ये आउटपुट? इसका आउटपुट अपन ने लिखा है B इक्वल्स टू D कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ इसका क्या करें? सर्किट डायग्राम प्लॉट करें। तो इसका सर्किट डायग्राम देखो, एक है जिसके अंदर ए बी जा रहा है, दूसरा है जिसके अंदर ए बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है,
ये गया ए बी, ये दूसरा गया ए बी और ये गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब साथ में सी और डी और जा रहे हैं, और किसके अंदर जा रहे हैं, एक एक्सोर गेट के अंदर और आउटपुट क्या आ रहा है बी। तो एक्सोर गेट के अंदर एक तो क्या जा रहा है सी और एक जा रहा है डी। ठीक है, ये अपने क्या आउटपुट क्या बन गया, किसका आउटपुट आ गया अपना, ये बी का। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने सी की तरफ। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है, फिर जीरो 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 वन 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 जीरो। सी के लिए देखो कहाँ पे आउटपुट आ रहा था अपने पास, सी के लिए आउटपुट आ रहा था 0135678 9 0135678 9। जीरो वन थ्री जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, ये अपना क्या बन गया के मैप फॉर सी। सी के लिए के मैप बन गया। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, वही जोड़े बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखो एक तो ये एट का बन गया, उसके बाद में एक ये एट का बन गया, फिर उसके बाद में ये दो दो बज रहे, ये फोर का बन गया और ये टू का बन गया। ठीक है, आउटपुट लिखोगे सी के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास, इसका देखो जीरो ए कॉम्प्लीमेंट और इधर से सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इसके लिए वन मतलब बी, इधर से कुछ नहीं आएगा, फिर प्लस इसके लिए वन मतलब सी, फिर प्लस इसके लिए डी और यहाँ से ए ए डी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, इसके ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ये इसके अपने पास आउटपुट आ गए। कुछ कॉमन वॉमन थोड़ी आ रहा है,
नहीं आ रहे तो ये अपना क्या हो गया, सी का आउटपुट। और इसका जब सर्किट डायग्राम बनाओगे तो देखो ये ए, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, तीनों के कॉम्प्लीमेंट, फिर एक के अंदर जा रहा है ए और डी, ये डी, एक है बी, और एक सी। ये आउटपुट किसका आ गया, सी का, ठीक है। ये अपन ने कर लिए ए बी सी के लिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे डी ई एफ जी एच, सारों के लिए सॉल्यूशन करके उसके बाद में सारों को सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बी सी डी 7 सेगमेंट डिकोडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।